हे uh, गाइस hey कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में और आज हमारा टॉपिक जो है वो एम सी क्यूज ऑन द अवार्ड एंड विनर है आई होप कि आप लोग पढ़ कर आए होंगे और मेरे क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे तो कैसे हैं आप लोग गाइस बढ़िया है आप लोग आप मुझे देख पा रहे हैं आप मुझे देख तो पा रहे हैं चलिए uh, जितने भी लोग यहाँ पर बसते हैं सबको गुड इवनिंग क्या हाल चाल है आप लोगों के बढ़िया है चलिए शुरू करेंगे अपना सेशन और आज अवार्ड्स एंड बिनर्स पर हम बात करने वाले हैं ठीक है तो क्या इस फोर महीने फोर बेस्ट फैकल्टी सितंबर में जॉब्स हो सको तो मुमकिन है अगर आपको एग्जाम कर, क्रैक करना है बैंक का तो आपको टीम ए के सारे कोर्सेज पढ़ने चाहिए और टीम ए वी कोर्सेज सब्सक्राइब करने के लिए आपको अन पर एडमिशन लेना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए आपके पास प्ले स्टोर होना चाहिए प्ले स्टोर आपके फ़ोन में रहता है हमेशा रहता है ठीक है आप इसको ओपन करिए अनकेडमी का लर्निंग ऐप सर्च कर लीजिए लर्निंग ऐप इस तरह कुछ आपको दिखेगा इस तरह से इसको कर डालना है। और डालते ही आपके सामने एक पी आएगा ओटीपी को आप सबमिट कर दीजिए तो आप लॉग इन कर ले जाएंगे और यहाँ पर पहला पेज वॉट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर आएगा जहां पर सर्च गोल पे जाकर आपको बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लेना है और बैंक एग्जाम में क्लिक करने के बाद आपके सामने लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस भाषा पढ़ना चाहते हो हिंदी में इंग्लिश में सपोज दैट आपने हिंदी पे क्लिक किया तो फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा इस तरह से पेज खुल के आएगा जहां पर लिखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन यहां पर ये ये चीज ठीक इस पर क्लिक कर देना आपको और क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस का ऑप्शन आएगा आपको 12 महीने के लिए 24 महीने के लिए अनकेडमी को ज्वाइन करना है तो बस एक काम करना होगा आपको रेफरल कोड नीचे रेफरल कोड दिया होगा वहां पर आपको ए वीपी कोड लगाना है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रेफरल कोड ऑटोमेटिक लगे होते हैं उसको डिलीट करना है और एवीपी कोड लगाना है और सबमिट कर दीजिए आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फीस में ठीक है और दोस्तों अगर आप लोग हमारा फ्री वाला लाइव क्लास लेते हो तो कुछ पॉइंट आपको मिलते हैं अगर आपने इसको भी रिडीम करा लिया तो फीस आपकी और कम हो जाएगी तो यह भी एक बेनिफिट आपके लिए है ठीक है, है? चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और अवार्ड एंड विनर्स आई होप कि आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरा पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग दॉन दर्ल्ड इनोवेटर अड्ड दो हजार इक्कीस इसमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 का मिला है आंसर दिए फटाफट क्या आंसर हो वॉट इज द राइट आंसर वी है फाइव ऑप्शन आंसर की बात करनी है और पहला आंसर हमारा क्या होगा आइए देखते हैं यहां पर और इसका आंसर होगा कीर्ति के कारंथ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट राइट आंसर आंसर कीर्ति के ऑप्शन नंबर सी इज द इनको मिला है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड का ठीक है आगे दिखाते हैं आपको डॉक्टर कीर्ति के कारंत ठीक ये चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट है बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की और इनको दो का वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है यह अवार्ड कौन देता है ये अवार्ड वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन हर साल देता है तो कीर्ति के की कारण हमारा आंसर हो जाएगा याद कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू पे और हमारा क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर टू विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म अवार्ड एट द नाइनटी एकेडमी ऑस्कर अवार्ड 21 वन अभी जो नाइनटी एडिशन हुआ ऑस्कर अवार्ड का इसमें बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड पूछा गया बेस्ट मूवी का अवार्ड तो मिला नोमाइड लैंड आपसे वो नहीं पूछा है बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड पूछा गया वी फाइव ऑप्शन इज द आंसर आंसर और हमारा क्या होगा विनय नए क्वेश्चन नहीं है सब अप्रैल के क्वेश्चन हैं और आंसर आपको देना है क्या इसका आंसर होगा आंसर सोल ऑप्शन नंबर डी तो सोल हमारा आंसर हो जाएगा तो इस बार का नाइनटी थर्ड अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड जो है ये लॉस एंजल्स में हुआ था पच्चीस अप्रैल को

क्रिस्टोफर नॉलेंस स्पाई थ्रिलर टेनेट एक मूवी थी इसमें बेस्ट विजुअल इफेक्ट दिखाकर इसमें से कौन सी कंपनी ने अकेडमी अवॉर्ड जीता है answer? हमारा answer क्या होगा? भड़। Guys, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा प्राइम फोकस लिमिटेड प्राइम फोकस लिमिटेड ये इंडियन बेस्ड कंपनी है प्राइम फोकस लिमिटेड देखिए

तो आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने श्रेणी वन के तहत पहली बार ई पंचायत पुरस्कार जीता है यहां पर पांच ऑप्शन आपके पास है आंसर आपको क्या देना ई पंचायत पुरस्कार 2021 ठीक है हमारा आंसर क्या होगा कल हम लोग का जो सेशन होगा वो होगा एमसीक्यूज ऑन द स्टेट लेवल न्यूज स्टेट एस टी ए टी राज्य सरकार

फॉलोइंग टॉप स्पॉट इन रिसर्च फर्म यू गो टू थाउजेंड ट्वेंटी रैंकिंग इन अप्रैल दो हजार अगर आपने हमारी क्लास रैंकिंग तो क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले भी टॉप स्पॉट इन द रिसर्च फर्म यू जी ओ वी दो हजार इक्कीस टेक्नोलॉजी रैंकिंग क्या वट इज द राइट एंसर वीव फाइव ऑप्शन जल्दी जल्दी बढ़ा पट बढ़ा पढ़ा क्या हमारा आंसर होगा टॉप स्पॉट इन द रिसर्च फॉर्म यू गॉफ टेक्नोलॉजी रैंकिंग इन अप्रैल इक्कीस और हमारा आंसर क्या हो जाएगा गूगल ऑप्शन नंबर बी तो गूगल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो ये हमें याद कर लेना ठीक है दोस्तों आगे बढ़े और बात करते हैं क्वेश्चन तो गूगल देख लो यहां पे गूगल इज एट द टॉप स्पॉट इन द रिसर्च फॉर्म यू गॉफ ट्वेंटी वन टेक्नोलॉजी रैंकिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज किस किस uh, किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 घोषित किया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 पांच ऑप्शन आपके पास है आंसर दिया जा रहा है क्या क्या ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट लेवल कौन से मंथ के चलिए अप्रैल और मार्च मार्च और अप्रैल दो महीने के पढ़ लीजिए एंड द आंसर इज द टेबलिस जॉर्जिया ऑप्शन नंबर सी

ठीक है तो इन लोग के मतलब याद में ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक एंड वर्ल्ड बुक डे मनाते हैं और इस बार, इस बार बार जॉर्जिया को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द का स्टेटस मिला है, ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट अन्नपूर्णा टेंथ हाइएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड दुनिया की दसवीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा तो फतह करने वाली पहली महिला भारती कौन बनी यह महाराष्ट्र की से बिलोंग करती हैं। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है सतारा वहां से बिलोंग करती हैं। नाम आपको बताना है क्या इनका नाम सर आप कैमरे लेंस से चाय पी रहे हो हां शुभंकर जी ये कैमरा हमारा खराब हो गया था तो हमने क्या किया इसको मतलब तोड़ा वोड़ा इसके अंदर ठीक से बनाया अब ये चाय का हमारा क्या बन गया है ना आंसर हमारा क्या होगा Answer हमारा क्या होगा प्रियंका मोहिते ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर प्रियंका मोहित है माउंट तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है तो प्रियंका द सतारा इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई कर ली है और ये पहली इंडियन मह, पहली महिला बनी है याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं अपने पूछा कि तमिलनाडु के कौन है जो इंडिया के सिक्सटी चेस ग्रैंड मास्टर बन गए चेस ग्रैंड मास्टर बन गए आंसर क्या होगा वट इज द राइट आंसर हमारा आंसर क्या होगा जल्दी 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 और हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा अर्जुन कल्याण अर्जुन कल्याण ये ये, तम, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये भारत के सिक्सटी एथ चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, अर्जुन कल्याण तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ठीक है और अर्जुन कल्याण नाम है ये भारत के अड़सठवें चेस ग्रैंड मास्टर बने एक बात और ध्यान देना वर्ल्ड चेस फेडरेशन जिसे हम FIDE के नाम से जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है लुसाने में है स्विट्जरलैंड में है तो ये भी याद कर लीजिएगा दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे पूछा गया है कि इसमें से वो कौन से पर्सन सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वुमेन्स में हुई। में से कौन, कौन है उनचास के जी कैटेगरी में क्लीन एंड जर्क स्पोर्ट इवेंट में और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था ब्रॉन्ज मेडल मिला था इसमें ठीक है आंसर बताइए कौन सी वेट लिफ्टर है

2021 एडिशन वेस्टर्न क्रिकेट एलमेनाक में दूसरी बार लगातार कौन लीडिंग क्रिकेटर बन गया है पूरे विश्व का क्या इसका आंसर होगा हमारा आंसर क्या देख लीजिए पांच ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे दोस्तों और आंसर क्या होगा आंसर इज द बैन स्टोक्स ऑप्शन नंबर सी तो बैन स्टोक्स को नाम दिया गया है लीडिंग क्रिकेटर का इन द वर्ल्ड फॉर से ठीक है इसमें और भी कुछ पॉइंट है दो हजार दस से लेकर दो तक के लिए घोषित किया गया है सचिन तेंदुलकर को उन्नीस से लेके दो के लिए चुना गया था कपिल देव को 1980 से लेकर 1990 के लिए

भैया सब लोग टाइम से आएगा तो टाइम हमारा छह बजे होता है और हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर क्या होगा आंसर हमारा होगा रॉबर्टो बिन बेनिग्नि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रॉबर्टो ऑप्शन नंबर बी तो डायरेक्टर है रॉबर्टो बिग्न इनको गोल्डन लॉयन फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा एट द सेवेंटी एथ वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और यह फिल्म फेस्टिवल सितंबर में होने वाला है तो रॉबर्टो बैनगिनी

ज वॉर्न द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट द मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू थाउजेंड ट्वेंटी में किस फिल्म ने मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर का पुरस्कार जीता है यह भी मैंने पढ़ाया आप लोग हमारा क्या होगा वॉट इज द राइट आंसर थर्टीन क्वेश्चन पे हम लोग हैं यहां पर और हमारा आंसर क्या होने वाला है Uh, एंडलियां की मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्वेंटी वन ठीक है तो एक पॉइंट हमारा यह हो गया ठीक है अब देख लीजिए अगर हम बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर कौन है डायरेक्टर एंड प्रोड्यूस बाई द विनोदी तो इनका नाम भी याद कर लीजिएगा विनोदीटर

Who has been given the 2021 Leading Woman Cricketer in the World Award by the Wisden? What is the answer? और आंसर हो जाएगा तो बेथ ऑप्शनिंग ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं और इनको लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है वही मेल की बात करें तो बेन स्टोक्स को यह अवार्ड मिला है तो आपने दिखाई भी है ना चलिए दोस्तों आगे बढ़े अपने तुम लोगों को बेटा याद बात नहीं है तो बेथ मूनी को अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द AICETE लीलावती अवार्ड 2020 अंडर द लीगल अवेयरनेस सब थीम ये मैंने आपको पढ़ाया था AICETE लीलावती अवार्ड की बात करें तो इसमें 6 सब थीम का अवार्ड दिया गया था 6 यानी 6 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अब में से एक आपकी सब थीम थी लीगल लीगल अवेयरनेस अवेयरनेस तो के लिए किस कॉलेज को किस इंस्टीट्यूट को अवार्ड दिया गया है पता नहीं आप को यह याद है कि नहीं सिंपल तो आप याद कर नहीं पाते हो टफ कैसे आप याद करोगे देखते हैं चलो वॉट इज द राइट आंसर कोई पढ़कर तो नहीं आया मैंने बोला था कि अप्रैल से पूछूंगा मार्च से पूछूंगा अरे दोस्तों समझो मेरी बात को कल हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टेट लेवल न्यूज तो अप्रैल पढ़ के आना मार्च मत पढ़ना अप्रैल पढ़ लेना केवल पढ़ के आना केवल अप्रैल ठीक है हमारा आंसर क्या होगा रेडियंट सीता फ्रॉम द फ्रॉम द थिगर थी, राजर पॉलिटेक्निक कॉलेज तो रेडियंट सीता ये बेसिकली क्या है ये बेसिकली आपका एक ग्रुप है कहाँ का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपका थियागराज वहां के रेडियंट सीता को ये अवार्ड मिला है अगर आप ध्यान से देखेंगे देखो यहां पे दोस्तों तो लीलावती अवार्ड की बात करें लीलावती अवार्ड का इस बार का थीम था वुमेन ऑन एम्पावरमेंट और ये जो अवार्ड दिया गया ये सिक्स सब थीम पे दिया गया यहां पे देखो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक रिसेंटली प्रेजेंटेड द एआईसीटीई लीलावती अवार्ड इन दिल्ली लीला अवती आवा, लीलावती अवार्ड की जो सेरेमनी थी उसकी थीम थी वुमेन ऑन एमपावरमेंट और इसके अंतर्गत सिक्स सब थीम में अवार्ड दिया गया फॉर एग्जाम्पल वुमेन ऑनटरप्रीनियोरशिप थीम की बात करें

है ना लेकिन यहां पे पूनर नाम नहीं है ना बेटा पे थोड़ा समझना पड़ता है याद कर लीजिएगा आप लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं इंडियन टाइकून ऑफ यू आई बीन विदुधा नोबेल एंड चैरिटेबल टू दुनि में कौन से भारतीय मूल के बिजनेसमैन को यूआई uh, का uh, मतलब का top civilian award दिया गया है। ये केरला से बिलोंग करते हैं हाँ, और ये यूएई में लूलू ग्रुप के चेयरमैन भी इनका नाम बताओ जरा मुझे गगन जी पूछ रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन है कि अगर हम यही ही क्वेश्चन कर ले जो आप करवा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अवार्ड के गगन जी केवल अप्रैल की बात यहां पे हम कर रहे हैं अप्रैल से केवल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे ना थोड़ा पेशेंस रखिए क्लास में डेली आइए कम से कम ठीक और इसका आंसर होगा यूसुफ अली एम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यूसुफ अली एम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तो यूसुफ अली एम और ग्यारह अदर इंडिविजुअल मतलब बारह लोगों को आबुधाबी का टॉप सिविलियन अवार्ड दिया गया एक भारतीय है उनका नाम यूसुफ अली एम केरला से बिलोंग करते हैं बेसिकली ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिल्म हैज वन द बेस्ट पिक्चर एट द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ द फिल्म एंड द टेलीविजन आर्ट ट्वेंटी वन यानी अवार्ड की बात हो रही है तो बाफ्टा अवार्ड में किस मूवी को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया यह वही मूवी है जिसको कि अकेडमी अवार्ड में भी बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया क्या हमारा वॉट इज आंसर क्या होगा हमारा क्या होगा आंसर इज द लैंड ऑप्शन नंबर बी लैंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर

जल्दी जल्दी आंसर वीरनी पुरस्कार कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को देगा मतलब दुधी चंद इस स्टेट से करती पांच ऑप्शन हमारे पास ठीक है? Right यहां थी। पे लोग असम बोल रहे हैं उड़ीसा बोल रहे हैं। देव, शंकर अवस्थी अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी अवस्थी अवार्ड बेसिकली जर्नलिज्म uh, में दिया जाता है और इस बार का देवी शंकर अवस्थी अवार्ड जो किसको मिला पांच ऑप्शन आपके पास है तो, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी और आंसर होगा यहां पे आशुतोष भारद्वाज ऑप्शन नंबर एक तो द फेमस देवी शंकर अवस्थी अवार्ड ये किसको मिला इस बार जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक आशुतोष भारद्वाज को मिला

ग्रेट खली एंड अलेक्जेंडर पांच यहाँ पे आपको रेस्लर दिखाई पड़ रहे हैं तो किसको डब्ल्यू डब्ल्यू हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है मेरे ख्याल से बचपन में आप लोग देखते होंगे गर्ल्स नहीं होंगी बॉयज देखते होंगे गर्ल्स थोड़ी सॉफ्ट नेचर की होती हैं तो मारपीट देख नहीं पाती लोग आंसर हमारा क्या होगा प्रोडक्ट से पे क्या इसका आंसर होगा एंड द आंसर इज ग्रेट खली फ्रॉम इंडिया ऑप्शन नंबर डी तो ग्रेट खली को डब्ल्यू डब्ल्यू हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हू अमंग द फॉलोइंगेज बीन सेलेक्टेड फॉर द थर्टी एथ जी डी बिरला अवार्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च तीसवा एडिशन जी डी बिरला अवार्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च किसको मिला पांच ऑप्शन आपके पास है आंसर क्या होगा वॉट इज द आंसर इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा सुमन चक्रवर्ती ऑप्शन नंबर ए सुमन चक्रवर्ती ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर सुमन चक्रवर्ती की बात करें ये एक फैकल्टी मेंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर इनको तीसवा जी डी बिरला अवार्ड मिला है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च सुमन चक्रवर्ती आई आई में प्रोफेसर है तीसवां जी डी बिरला अवार्ड इनको दिया गया अगर जी डी अवार्ड की बात करें तो ये नाइनटीन से यह अवार्ड दिया जा रहा है और बेसिकली ये उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज पचास साल से कम होती है और इसकी प्राइज मनी है प्राइज मनी इसकी है ठीक है है लाख लाख ठीक चलिए अवार्ड की प्राइज मनी ध्यान से देख लिया करो एग्जाम में वो भी आते हैं दो हजार है? 2019? 2019 के लिए ये ये हम भूल जाएंगे हमेशा हमको 21 के लिए मिला 2019 के लिए, दादा साहब फालके अवार्ड किसको मिला और ये इक्यावनवा एडिशन था इस अवार्ड का इक्यावनवा दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द टू ये किसको मिला इस बार अमिताभ बच्चन को मिला धर्मेंद्र को मिला राज कपूर रजनीकांत एंड दिलीप कुमार पांच ऑप्शन हमारे पास है। मासूम बॉय यहां पर आ चुके हैं रोहित भाई थैंक यू सो मच हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा रजनीकांत जी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रजनीकांत ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है तो रजनीकांत जी को दादा अवार्ड दिया जाएगा फॉर द 2019 और ये अवार्ड की फिफ्टी फर्स्ट एडिशन हो ठीक है रजनीकांत इज द ट्वेल्थ साउथ इंडियन टू गेट दिस अवार्ड तो ये बारहवें साउथ इंडियन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नर ऑफ विच स्टेट है कलिंग रत्न अवार्ड फॉर द इजेंड ट्वेंटी तो आपसे पूछा गया है कि किस स्टेट के गवर्नर को 2021 का कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कलिंग रत्न अवार्ड कौन सा स्टेट देता है जैसे मुझे याद है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, सम्मान, ये कौन सा कलिंग, कलिंग रत्न अवार्ड ये कौन सा स्टेट देता है तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है फिलहाल चलिए क्या इसका आंसर होगा <laughs> इसका आंसर क्या होगा के गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश गवर्नर कौन है अमृता बोल रही है हरियाणा तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र इनको कलिंग रत्न अवार्ड मिला है फॉर दू था ट्वेंटी में अच्छा और अगर हम बात करें तो ये अवार्ड कौन सा स्टेट देता है कहीं मेंशन है यहां पे कहीं मेंशन यहां पे तो नहीं है आप लोग मेरे को बताओ ये अवार्ड कौन सा स्टेट हर साल प्रोवाइड करता है उड़ीसा ठीक चलिए अब तुम लोगों ने तुक्का लगाया कि आंध्र प्रदेश का ओ मतलब आंध्र प्रदेश नोटेड मराठी मराठी राइटर उनका नाम आपको बताना है विल रिसीव द सरस्वती सम्मान टू थाउजेंड ट्वेंटी फॉर सनातन बुक सनातन, है मुझे याद है जब मैं रात में एम्स कर रहा था मैंने संतान बोल दिया था तो नोटेड मराठी राइटर नाम बताइए इनको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा इनकी बुक के लिए बुक का नाम है सनातन व्हाट इज क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आंसर क्या हो देख लीजिए आप संध्या थैंक यू सो मच थैंक यू सुनिटा थैंक यू सो मच और हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिंबाले ऑप्शन नंबर बी शरण कुमार लिंबाले ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है तो नोटेड मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले इनको सरस्वती सम्मान 2020 दिया जाएगा फॉर हिज बुक सनातन और अब देखो सरस्वती सम्मान की बात करें बेटा तो उसकी प्राइज मनी फिफ्टीन लाख रुपीज होती है और सरस्वती सम्मान जो है ये फाउंडेशन अवार्ड से मिला, मिल रहा है। तो ये देता है, 1991. ठीक है? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द मेड इन मतलब, मतलब पहली बार ग्लोबलू एच आई फॉर हिस्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन सोशल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल स्पेयर

मार कोरिलोस ऑप्शन नंबर डी देखिए तो यहां पर अगर हम बात करें तो बेसिकली मार कोरिलोस इनको अवार्ड दिया गया है बेसिकली गोल्डन लैटन अवार्ड का ठीक है तो ये आपके सामने इनका नाम है याद कर लीजिएगा मेरे ख्याल से यहां तो तुक्का चल रहा होगा रिवा टेक केयर तुक्का चल रहा है ना सही है सही है। चलो विच मूवी बैक द वर्स्ट मूवी एट द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रेजी अवार्ड अगर आप हमारे देखेंगे और अगर मैंने, मैंने तो क्वेश्चन और कहीं मिलेंगे और जो लोग के सही कर ले रहे हैं ये उनका दिल समझता है या मेरा दिल समझता है ना वी फाइव ऑप्शन वॉट इज देंसर आंसर हमारा क्या होगा सर कहां से स्टेट लेवल पढ़ेंगे शर्मिला जी आप मुझसे पढ़ती है क्या अफेयर मॉर्निंग में अगर आप मुझसे पढ़ती है बेटा तो उसमें स्टेट लेवल यूज में पढ़ाता हूं आंसर इज द एब्सोल्यूट प्रूफ ऑप्शन नंबर बी तो एब्सोल्यूट प्रूफ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहां पर क्या रहा है वेम्पायर डायरीज बहुत अच्छे सर प्री में जी आता है क्या नहीं प्री में जी नहीं आता बाप रे बाप प्री में जिये नहीं आता चलो तो अगर हम बात करें तो बेसिकली एक मूवी बनी थी एब्सोल्यूट प्रूफ ये इलेक्शन फ्रॉड पे फिल्म बनी थी और इसको इसको वर्स्ट मूवी का अवार्ड मिला है टू थाउजेंड ट्वेंटी का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन won the Best Picture Title Award at the 93 Academy Award? ये तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसका दोस्तों ध्यान देना 93rd एडिशन है भूला नहीं और किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है पांच ऑप्शन आपके पास है आंसर क्या होगा स्टेट करंट अफेयर्स अरे सारे स्टेट का बेटा सारे स्टेट का हम कोई पक्षपात नहीं करते ठीक? और इसका आंसर होगा right इसको भी भी मिला था, academy भी मिल गया। देख लो ध्यान देना। चलिए, आगे बढ़ते हैं हैं बात करते हैं, next question की। इंडियन वुमेन हैज मेड इट टू फोर्स एशिया थर्टी अंडर थर्टी इन जस्ट वन ईयर ऑफ ओपनिंग हर वेंचर कॉस्मेक्स यानी एक भारतीय महिला है ठीक और इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली थी कॉस्मेक्स साल ही हुए और इनको फोब्स की एशिया की थर्टी अंडर थर्टी रैंक में इनको जगह मिली यह महिला कौन है देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका इसका आंसर हो जाएगा विभा हरीश विभा हरीश ऑप्शन नंबर एक विभा हरीश ऑप्शन नंबर एक तो बेंगलुरु बेस्ड ऑनटरप्रेन्योर है उद्यमी है विभा हरीश तो सीईओ है, है, है फाउंडर है एक हर्बल कंपनी है जिसका नाम है कॉस्टमेक्स और इनको फोर्ब्स की एशिया 30 अंडर 30 रैंक में जगह मिली है और केवल एक साल इनको बिजनेस को हुआ है तो ये देख लीजिएगा एक पॉइंट आपके सामने ये था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमिटेरियन अवार्ड बाय द डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस ठीक है अब यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला वर्ल्ड मानवतावादी अवार्ड जो है वो किसको मिलेगा इस बार का आपके सामने पांच ऑप्शन right हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा आपका रुमाना सिन्हा सहगल ऑप्शन नंबर बी रुमाना सिन्हा सहगल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एक बार देख लेते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न सोशल रुमाना सिन्हा सहगल

आंसर 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 इसका क्या होगा इसका आंसर होगा जंगल क्राई ऑप्शन नंबर ए जंगल क्राई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जंगल क्राई इसके डायरेक्टर है सागर बैलरी इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एट द एलेवें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्वेंटी में ठीक है यह देख लेना चलो आगे बढ़ते गाइस और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्टी क्वेश्चन बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर हैज हैजन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर विच फिल्म तो अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल हमारे पास है और इसका आंसर क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर सामने क्वेश्चन था तो अनुपम खेर को अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इनकी परफॉर्मेंस के लिए हैप्पी बर्थडे में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी उसके लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड शेख जायद बुक अवार्ड ये इंडिया मुंबई से है लेकिन अभी राइट नाउ ये इंडिया में नहीं रहती हैं तो इनका नाम क्या, पहली क्या, answer answer क्या, क्या right right है पहली पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस शेख ताहिरा कुतुबुद्दीन ऑप्शन नंबर डी ताहिरा कुतुबुद्दीन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन पर्सनैलिटीज वी आर रिमेंबर्ड इन द नाइनटी ऑस्कर इन द मेमोरियम सेगमेंट तो तिरानबे ऑस्कर अवार्ड में किस इंडियन पर्सनालिटीज को याद किया गया उनके मृत्यु के बाद पांच ऑप्शन आपके पास है आंसर आपको ठीक देना है व्हाट द विच इंडियन पर्सनालिटीज वी आर रिमेंबर्ड इन द नाइनटी थर्ड ऑस्कर इन द मेमोरियम सेगमेंट हमारा आंसर क्या होगा तो ये कौन है ये है इरफान खान और भानु अथैया फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड

बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किससे मिला बाफ्टा अवार्ड पे पांच ऑप्शन हमारे पास है. और इनका नाम क्या है इनका नाम है फ्रांसिस मैकडोरमेट ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस मैकडोरमेट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द इंडियन फिल्म मेकर हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सेकंड हाइएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स उस भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिसे फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स ये आ, ये अवार्ड का नाम है बेसिकली फ्रांस का सेकंड लेवल का ये अवार्ड है सेकंड हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर ये कौन है ये कौन है इनका नाम है गुनीत मोंगा ऑप्शन नंबर डी गुनीत मोंगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर गुनीत मोंगा ठीक है गुनीत मोंगा ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन

और इनके साथ साथ लिनार्डो को इनको तब जानते ही होंगे। है ना? तो आप अक्षय कुमार और लिनार्डो को दोनों को गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन ने सम्मानित किया तो यह दुनिया भर के जितने भी आर्किटेक्चर होते हैं उनका यह अवार्ड है इसके इसे आर्किटेक्टर का नोबेल कहा जाता है तो ए एम ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो किसको मिला यह आपसे पूछा गया पांच ऑप्शन आपके पास

आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिल्म हैज द टॉप ऑनर ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कास्ट इन पिक्चर स्क्रीन एक्टर टॉप ऑनर मतलब स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड और यह मिला हुआ है ट्रायल ऑफ द शिकागो ऑप्शन नंबर डी द ट्रायल ऑफ द शिकागो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

अपना ख्याल रखिए मिलेंगे रात के दस बजे हम लोग अन पर फॉर द डेली करंट अफेयर्स